दोस्तों मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल आरडीए मैजिक में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट वन पढ़ा था, आज स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा। कुछ दिक्कत पड़ रही हो, समझ में कोई चीज ना आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी इससे फायदा मिले। स्टार्ट करते हैं टाइम नंबर बात करते हुए, आज टाइप नंबर टू किसका, नंबर सिस्टम का। आपको सारी चीजें सेक्टर्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को क्या करना है, आपको सेक्वेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। इसलिए आप बढ़िया से आप नोट्स बनाइएगा, सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है, क्लियर। चलिए तो हमने कल संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब नंबर्स तो ठीक है, तो हमने कल पढ़ रखा था सहभाज संख्या और द्विमाभाष संख्याओं का। आज एक नई संख्या देखते हैं, अभी संख्याएं बहुत सारी से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अब नई चीजें सीखते हैं। इनसे जो आज मैं संख्याएं पढ़ाने वाला हूं इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है, कंफ्यूजन का टॉपिक है। संख्या वो कौन सी है, वो संख्या है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, बहुत आसान सी डिफिनीशन है, कभी कभी छोटे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते नहीं। क्या है, कहता है यदि किसी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख दें, क्या लिख सके, p बटे q के रूप में, और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसी संख्या हो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके और q का मान जीरो ना हो तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब परिमेय संख्या अगर एग्जांपल देखें तो ब्रह्मांड की बहुत सारी संख्याएं जो हम सुबह से लेकर शाम तक की संख्याएं पढ़ते हैं वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। कोई आपसे पूछते दो बटे तीन कैसी संख्या, परिमेय संख्या। चार बटे पांच कैसी संख्या, परिमेय संख्या। दस कैसी संख्या, परिमेय संख्या। बारह कैसी संख्या, परिमेय संख्या। 1.5 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। 2.25 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो अगर क्वेश्चन आता है तो केवल कभी कभी छोटे एग्जामों में इसके डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम्पल आपसे नहीं आते, एग्जाम्पल आते दूसरी संख्या से, अपरिमेय संख्या से, उसकी डिफिनीशन नहीं पूछता है, उससे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछता है कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। तो अगला जो संख्या है वो पढ़ते हैं, कौन सी है वो, अपरिमेय संख्या। बहुत ध्यान से समझिएगा, परिमेय अपरिमेय में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो सारी कंफ्यूजन आज दूर किए दे रहे हैं। तो अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो संख्याओं को अगर अलग अलग बांटे तो ब्रह्मांड में परिमेय संख्या इतनी है कि गिनना संभव नहीं है। तो इसलिए परिमेय संख्या को हमें याद नहीं करना कि कौन कौन संख्या परिमेय होती है, हमें क्या याद करना है, हमें अपरिमेय संख्या याद करना है। अब अपरिमेय संख्या होती क्या है, जस्ट उल्टा अगर डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की उल्टा होती, यानी जिसे p बटे q के रूप में लिखे वो q बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन हमने कहा डिफिनेशन से क्वेश्चन ना पूछ के इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है। तो केवल पांच प्रकार की संख्याएं आपको याद करनी है वो अपरिमेय होती हैं, उनके अलावा कोई भी संख्या दे दे वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। वो कौन कौन से एग्जांपल है ध्यान देना, डिफिनेशन के हिसाब से अगर देखें कि जिसके पी बटे क्यू में क्यू अगर जीरो हो जाए, कोई भी तुम्हें ऐसी संख्या लिखी मिल जाए एक बटे जीरो,
दो बटे जीरो, पांच बटे जीरो, ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे दस बटे जीरो भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। सौ बटे जीरो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इनका मान क्या होता है? आपको सबको पता होगा कि अगर किसी संख्या के नीचे जीरो लगा है तो उसका मान इन्फिनाइट होता है। इसलिए इन्फिनाइट भी एक कैसी संख्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या। तो पहले बैठ कर लेखा हमने, अगर लास्ट में अंत में नीचे जीरो लगा है उसका मान इन्फिनाइट होता है, तो ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या। दूसरी चलते हैं, वो सभी संख्याएं जिनका अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता। कोई भी संख्या उठा लो जो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, यानी जिसका रूट हमें पूरा पूरा ना निकले। पूरा पूरा तो क्या हुआ कि जैसे रूट चार लिखा है, रूट चार के बारे में आपको पता है इसका मान क्या होता है? दो होता है। रूट नौ के बारे में पता है इसका मान क्या होता है? तीन होता है। तो ये संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। क्या होंगे? जिनका हम रूट ना निकाल सकते हो, यानी जिनका रूट पूरा पूरा ना निकलता हो। सिंपल सी बात, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, पांच छ आठ बारह डांडा, कोई भी संख्या जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तीसरी संख्या चलते हैं, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखी गई है और वो रिपीट ना हो रही हो, वो अलग अलग संख्या लिखी हो रिपीट ना होते हुए कहां तक चली जाए? अगर इनफिनाइट तक चली जाए। ध्यान रखना, कहां तक जानी चाहिए? इनफिनाइट तक जानी चाहिए, और ये सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी संख्या एक कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ आई? तीन संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना क्वेश्चन, पाई अगर पूछ लेता पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कुछ होते हैं, e की पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ये भी संख्याएं आपकी कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। इनके अलावा ब्रह्मांड की कोई भी संख्या आपको मिल जाए, ये ना इनके अलावा कोई भी संख्या मिल जाए, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब कंफ्यूजन कहां होती है? इनको नोट करने के बाद कंफ्यूजन कौन से संख्या में होती है उनको ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी संख्याएं पेपर में पूछ लेता है जो हमें समझ नहीं आती है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हमने कहा इनके अलावा वो सारी संख्याएं कैसी होंगी? वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय होंगी। कौन कौन से? ध्यान देना, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट होते हुए कहां तक चली जाए, कोई भी संख्या दो अंक रिपीट हो रहे हो कहां तक चली जाए? इनफिनाइट तक। तो ये आपकी परिमेय संख्या होती। कैसी होती? परिमेय संख्या होती। या सीधे लिख दे 1.5 2.25, हमने बताया भी ये भी संख्या आपकी कैसी होती है? परिमेय होती है। 3.14 कैसी संख्या है? कुछ लोगों का आंसर होता है ये पाई का मान है 3.14, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो। पाई एक अपरिमेय, तो 3.14 भी अपरिमेय। लेकिन नहीं, अगर पाई के बारे में पूछता है तो पाई तो अपरिमेय होता है, लेकिन 3.14 एक परिमेय संख्या। पाई का एक मान और होता है 22/7, कैसी संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 180 होता है, ये भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अगर पाई पूछे तो पाई अपरिमेय, और पाई के सारे मान कैसे? परिमेय। कोई पूछे जीरो, बताओ जीरो कैसी संख्या है? जीरो भी आपकी एक परिमेय संख्या। क्लियर? कोई पूछे 1/∞, ये भी एक कैसी संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है।
तो कंफ्यूजन खत्म हुई, इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो लोगों को दिक्कत पड़ती है कि परिमेय की अपरिमेय, तो हमने परिमेय बताई और ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपरिमेय के बारे में बताया। बात समझ आ गई, नोट कर लिया होगा। चलिए अगली संख्या पे चलते हैं। आपकी है एक जिसका नाम है परफेक्ट नंबर, इसको हम लोग संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना, डेफिनेशन लिखने का प्रयास करिएगा क्या होती है। कहता है किसी कोई एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों को, जिसके सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर आधा करने से फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कैसे गुणनखंड करना है सभी, जैसे आपसे पूछा दो, इस दो के कौन कौन से गुणनखंड है, गुणनखंड होता है दो किस किस संख्या से कटता है, तो आपको पता है दो एक से कटता है और दो से कटता है। दो के बारे में चेक करते हैं, दो संपूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी। तो कहता है उसके गुणनखंडों को जोड़ो, जोड़ते दो एक तीन, जोड़कर आधा करो तो तीन का आधा कितना, डेढ़। कहता है आधा करने से फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हुई, नहीं हुई, तो संख्या ये परफेक्ट संख्या नहीं। जैसे चार के बारे में, चार को चेक करते एक से, दो से और चार से, जैसे जोड़ो इनको, चार दो छह सात बटे दो कितना होता, साढ़े तीन, नहीं आई ये भी संख्या परफेक्ट संख्या नहीं। अगली संख्या देखते हैं, छह के बारे में चेक करते हैं, छह एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, छह से कटता है, तो छह तीन नौ, दो ग्यारह एक बारह बटे दो कितना आया, छह। इसलिए छह कैसी संख्या है, एक परफेक्ट संख्या है। अगली संख्या अट्ठाईस चेक करते हैं, एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, एक से, दो से, चार से, सात से, चौदह से और अट्ठाईस से, जरा जोड़ते हैं इसको, दो एक तीन, तीन चार सात, सात सात चौदह, चौदह चौदह अट्ठाईस, अट्ठाईस अट्ठाईस छप्पन बटे दो कितना आ गया, ये भी एक संख्या कैसी हो गई, परफेक्ट संख्या। क्लियर, तो संख्याएं हमारी टोटल हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम बनता है वो बनता है बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में चेंज करना है, और दूसरा है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। बाइनरी माने होता है, चलो डेसिमल माने होता है दशमिक, और बाइनरी माने होता है द्वि आधारी। तो ये है कि दशमिक जो पद्धति होती है वो मनुष्य यूज करता है, जबकि द्वि आधारी जो पद्धति होती है वो
कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है भाई, कैसे? प्रत्येक संख्या, तो मनुष्य जो भी संख्याएं पढ़ता है वो सारी की सारी संख्याएं दशमिक संख्याएं होती है, डेसिमल नंबर होता है। और जो कंप्यूटर पढ़ता है, जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बाइनरी नंबर जो होता है वो कंप्यूटर पढ़ा जाता है। इसमें केवल दो संख्याएं ली जाती हैं, जीरो और एक। जबकि जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं, वो सारे नंबर जीरो से लेकर कहां तक, नौ तक, टोटल दस नंबर पढ़ते हैं। और कंप्यूटर कितने नंबर, केवल दो नंबर पढ़ता है। इसीलिए इसका नाम बाइनरी यानी द्विआधारी हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, दशमिक यानी डेसिमल हो गया। अब एक बात बताओ, अगर जीरो इसमें भी है एक भी और इसमें जीरो एक है, अगर कोई ऐसे लिख दे बताओ 101, ये कैसी संख्या है, कंप्यूटर द्विआधारी है कि डेसिमल है, तो ऐसे बताना मुश्किल। तो कैसे पहचानेंगे, अगर इसका बेस 10 लगा है तो ये दशमिक है, अगर इसका बेस 2 लगा है तो ये कैसी है, दो आधारी है यानी डेसिमल ये है और बाइनरी ये है। बेस 10 तो दशमिक, बेस 2 तो कैसी, दो आधारी। तो हमने सीखा क्या, दशमिक नंबर और बाइनरी नंबर होते क्या। अब इनको चेंज करना सीखते हैं, क्वेश्चन चेंज करने पे आता है। कैसे देखना जरा, पहले हम टॉपिक लेते हैं दूसरे नंबर का, क्या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को चेंज करना। डेसिमल नंबर को किसमें, बाइनरी नंबर में चेंज, बहुत आसान। देखिएगा जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि को बाइनरी संख्या में चेंज करो या बाइनरी संख्या में बदलो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है बराबर क्या है, यहां खालिस्तान दिया होगा पूछे यहां पर क्या है, तो कैसे करना जरा ध्यान से देखिएगा। आपको 27 के फैक्टर करना है, फैक्टर आपको पता होगा, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, फिर उससे नहीं कटता दूसरी बड़ी संख्या से। लेकिन आपको जब भी इसमें चेंज करेंगे, जब डेसिमल टू बाइनरी में, तो केवल और केवल आपको दो से डिवाइड करना, कोई भी नंबर दे रखा हो दो के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड उसको नहीं करना। 27 को दो से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। जरा बताओ शेष क्या है, एक बचा, जितना शेष बचे उसको हम बगल में लिख दे जाए, फिर दो से ही हमेशा भाग देना, कुछ भी दिया गया और संख्या दो से भाग दिया, 2 × 6 = 12 शेषफल कितना, फिर 2 से भाग दिया, 2 × 3 = 6 शेषफल कितना, 0, फिर 2 से भाग दिया, 2 × 1 = 2 शेषफल। तब तक भाग देना जब तक यहां पर एक ना हो। फिर लिखना कैसे है, आपको नीचे से ऊपर की ओर ध्यान रखना, कहां से नीचे से ऊपर की ओर, क्या 1 1 0 1 1 1 1 0। दिमाग में बात चल रही होगी कि यार चाहे नीचे से लिखो चाहे ऊपर से लिखो, मान तो वही आने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मान ऊपर और नीचे का एक भी आए, इस नंबर पे तो आ गया, कोई दूसरा नंबर लोगे तो हो सकता है ये मान ना आए, इसलिए आपको हमेशा कहां से लिखना है, नीचे से लिखना है, नीचे से ऊपर। अगला एक नंबर लेते हैं, माना दे दिया गया आपसे कि बताओ 32 को आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 32 को हम लोग चेंज करते हैं, 32 को चेंज करेंगे वही काम, सबसे पहले भाग किस पे आपको देना है, 2 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 16 बार शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिया, 8 बार शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिया, 4 बार शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिया, 2 बार शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिया, 1 बार शेषफल, क्या आ गया देखो,
वन जीरो 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 जीरो, कितने जीरो है? पांच, तो लिख देंगे वन। ये सवाल का क्लियर। तीस और संख्या लेते हैं, आपसे पूछ लिया गया बयालीस, तो बयालीस को लिख, तरीका वही होगा। क्या करना है? 42 को भाग देना है किससे? दो से। कितनी बार? 21 बार शेष पर, जीरो। फिर दो से भाग दिया, 10 बार शेष पर एक। फिर दो से भाग दिया, 5 बार शेष पर जीरो। फिर दो से भाग दिया, 2 बार शेष पर एक। फिर दो से भाग दिया, 1 बार शेष पर, क्या मिला? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। आंसर समझ पाए होंगे? तो आपने सीखा कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को कैसे चेंज करें। ये पहला तरीका है। एक तरीका और देखते, थोड़ा सा देखना दोनों में तुलना करा के कौन सा आपको अच्छा लगता, जो अच्छा लगे उसको तैयार कर लेना। देखते हैं अगला, इसी संख्या को चेक करते हैं। इन्हीं तीनों संख्याओं को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है? 27 के लिए आपको क्या करना है? सबसे लास्ट में लिखना है एक, एक लिखा। अब दोगुना करते जाओ, एक का दोगुना दो, दो का दोगुना चार, चार का दोगुना आठ, आठ का दोगुना सोलह, सोलह का दोगुना 32। ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं करना है। वैसा इस जिस संख्या को निकाले उस संख्या से छोटा ही रखना है, ठीक है? अब देखो, ये देखना है कि किन नंबर को जोड़ने से 27 मिलता है। चेक करते, 16 8 कितना होगा? 24, 24 4 28 ज्यादा होगा, तो 24 2 26 1 27। किस किस नंबर को लिया हमने? इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको, इन्हीं चारों को जोड़ने 27 आएगा। जिनको जोड़ने 27 आए उनके नीचे लिख दो एक, और जिसको ना जोड़ा गया हो उसके नीचे जीरो। सवाल देखिए, 32 को लिखना है कैसे? एक दो चार आठ सोलह 32, तो सिंपल 32 लाना था, 32 मिल गया, इसके नीचे लिखो एक, बाकी सबको बना दो क्या? जीरो। सवाल का आंसर। फिर एक बार चेक करते हैं 42 को कैसे, पहले लिखेंगे एक, फिर दो, फिर चार, फिर आठ, फिर सोलह, सोलह के बाद 32। अब ज्यादा नहीं चलना, तो 42 लाना है। 32 16 ज्यादा हो गया, 32 8 40 और 40 2 42। इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। इन तीनों के नीचे क्या लिख दें? एक। बाकी सबके नीचे क्या लिखेंगे? जीरो। और यही सवाल। दोनों तरीका समझ में आए? जो आपको अच्छा लगे वो तरीका फॉलो करें। समझाया? तो हमने क्या सीखा? डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब जस्ट इसी का उल्टा, क्या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना। बहुत ध्यान से समझिए, तो बहुत आसान सा टॉपिक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। क्या हमें सीखना है? बाइनरी से डेसिमल। अब जैसे उल्टा हो, कोई संख्या लिखी होगी 1 0 1 0, क्या है इसको, या इसको लिख देगा डेसिमल नंबर बदल। तो आसान तरीका सीखते हैं लोग, क्या करना है जब भी कभी ऐसी संख्या लिखे जिसको लिख लेना है ऐसे 1 0 1 0। स्टार्टिंग यहां से करनी है, यहां पर लिखा कुछ हो जीरो लिखा हो एक, उससे मैं आपको नहीं मतलब है। इसके नीचे हमेशा लिखना है एक, चाहे जीरो लिखा हो चाहे एक लिखा, कुछ भी लिखा हो इसके नीचे हमेशा क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। अब करना इसी का दोगुना, एक का दोगुना दो, दो का दोगुना चार, चार का दोगुना। जिनके सामने जीरो हो उनको कर देना, बचा कर आठ, दोनों को जोड़ दो, आठ दो 10 और 10 ही सवाल। फिर से एक बार देखिएगा अगले सवाल पे। अगला सवाल मान लो दिया गया है आपसे, क्या दे दे उसने दे दिया 1 0 0 1 0,
चेंज करना है आपको किसमें, निश्चित तो लिख लेते हैं 1 0 0 1 0, इसके नीचे क्या 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, जिसके सामने 0 उनको हटा दो, 16 दो 18, सवाल का आंसर। बड़ा सवाल लेते हैं अगला सवाल 1 0 1 1 0 1, और ध्यान से बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना, इसको लिख देने 1 0 1 1 0 1, इसके सामने 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, जिनके सामने 0 उनको हटा दो, बाकी जोड़ 32 8 40 4 44 45, बात समझ कर पाएंगे इस सवाल, जोड़ लो 32 8 40 40 4 44 45, 0 के सामने वाले क्या कर दिया हमने, हटा दिया, ठीक है, समझेगा कि यहां से कुछ आप होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिएगा, इनको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहले लेते हैं हम संख्या, लेते हैं 47 को चेंज करो, ये आपके पास सवाल है डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी डेसिमल में लेते हैं 1 0 1 0 0, क्लियर, तो आज के लिए होमवर्क है, करने का प्रयास करिएगा, बाकी आगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।